दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम देवव्रत नगरवाल है। दोस्तों इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक सच बोलने वाले और दूसरे झूठ बोलने वाले। अच्छा, भगवान ने भी किस तरह से बनाया ना हम लोगों को कि अगर जिनको सच बोलने की आदत होती है अगर वो झूठ बोलें तो भी पकड़ जाते हैं, और जिनको झूठ बोलने की आदत होती है अगर वो सच बोलने की कोशिश करें तो भी पकड़ जाते हैं। तो दोस्तों मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको और ये हमको क्यों जानना चाहिए, जो भी मेरे मोबाइल टेक्नीशियन देख रहे हैं या जो भी ये वीडियो को देख रहा है पर्टिकुलर या किसी भी फील्ड में इस वीडियो को देख रहा है, सो वो ये समझ ले कि ज़िंदगी में सिर्फ जीतना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। ज़िंदगी में अपनी फील्ड पर अचीव करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि अपने लोगों का विश्वास भी जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। क्योंकि आज के डेट में अगर आप किसी शॉप पर खड़े होकर किसी कस्टमर का विश्वास अगर हार जाते हैं तो आप मान के चलिए आपने एक कस्टमर नहीं खोया, आपने 100 कस्टमर खोए हैं दोस्तों। क्योंकि हो सकता है कि वो कस्टमर 100 कस्टमर को ला सकता था। क्या होता है, क्यों होता है, कैसे, ये पूरा वीडियो देखिएगा। छोटी सी एक कहानी मैं सुनाऊंगा और कोशिश करूंगा कि मेरे दिल की बात आपके दिल तक पहुँच जाए। दोस्तों आपने एक कहानी सुनी होगी, ये बहुत कॉमन सी कहानी है। दो छोटी कहानी सुनाऊंगा जिनमें से एक कहानी बहुत कॉमन है कि एक बच्चा गांव में चिल्लाता है भेड़िया आ गया और लोग दौड़ कर जाते हैं और उसको बचाने के लिए लाठियां हाथ में लेकर, और देखते हैं कि कोई भी नहीं आया। तो उस वक्त सब लोगों को लगता है कि क्या बात है, लगता है आया होगा या फिर बच्चे ने मस्ती की होगी। दूसरे दिन फिर यही चीज़ दोहराता है बच्चा, और तीसरे दिन जब दोहराता है तो लोगों को लगता है कि नहीं, उस बच्चे को तो झूठ बोलने की आदत होगी, उस बच्चे को झूठ बोलने की आदत होगी। और झूठ बोलने की आदत के कारण आपने देखा कि जब तीसरे दिन असली में भेड़िया आया, उस बच्चे को बचाने के लिए कोई नहीं आया। दोस्तों एक कहानी से क्या सीख मिलती है या क्या सीखना चाहते हैं हम? हमें सुनी तो है और हमें ये लगता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने वालों को जब भी वो सच बोलते हैं तो वो हमेशा झूठ में ही गिना जाता है। तो यही सीख मिलती है कि अगर आप एक बार आदत लग जाए आपको अपने कस्टमरों से झूठ बोलने की, तो दोस्तों सच बताऊं, जब आप सच बोलेंगे ना तो उनको झूठ ही लगेगा। दोस्तों अगर इंसानों की बात करें, दोस्तों अगर हम अपनी बात करें, तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें क्यों हर जगह सच बोलना चाहिए, हमें क्यों झूठ की आदत नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों एक बार क्या होता है, एक स्कूल में एक टीचर अपने स्टूडेंट को एक पैकेट देता है और वो बोलता है कि जाओ इसको अपने फादर के पास जाके ही देना और तुम मत खोलना। और वो स्टूडेंट स्कूल से घर आता है, घर आने से पहले वो किसी अपने मित्र के घर पे रुकता है और बड़ी उसके अंदर इनसिक्योरिटी रहती है कि क्या आखिर ने ये दिया हुआ है। और जबकि टीचर ने मना किया था, उसके बाद भी वो उसको खोलता है, और जैसे ही वो उसको खोलता है तो उसमें से चूहा निकल कर भाग जाता है जिसको वो पकड़ नहीं पाता। और ये चीज़ वो घर जाकर अपने फादर को बताता है देखो पापा, ये कैसे टीचर हैं, कैसे स्कूल हैं, बच्चे को एक मुझे छोटे से बच्चे को एक चूहा दे रहे हैं, ये कहते हैं कि पापा को दो। मतलब टीचरों को और कुछ आता नहीं है तो उन्होंने खाली बैठे हैं तो एक चूहा ही पकड़ा दिया। पता है उनके फादर ने क्या कहा? उनके फादर ने कहा कि बेटे तुमने से वो चूहा नहीं खोया, तुमने अपने टीचर का भरोसा खोया है। तुम्हारे टीचर ये देखना चाहते हैं कि कितना वो तुम पर ट्रस्ट कर सकते हैं, और जीवन में तुम जब आगे बढ़ो तो लोग तुम पर कितना ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि वही चीज़ तुम्हें आगे लेके जाएगी और वही चीज़ कामयाबी दिलाएगी। दोस्तों बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, सर मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, 24 घंटे मेहनत करता हूँ, पर क्यों मैं सक्सेस नहीं हो पाता, क्यों मुझे वो नहीं मिल पाता जो मुझे चाहिए। दोस्तों सिर्फ हार्डवर्क ही जरूरी नहीं है जीवन में, जैसे सिर्फ खाना खाते समय की भी ज़रूरत नहीं होती, दोस्तों उसी समय पानी भी पीना पड़ता है। वैसे ही उसी प्रकार पैरेलल इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके साथ वो आदतें हैं कुछ, जिसके साथ आपको उतना ही जस्टिफाई करना होगा अपने आप को जितना आप अपने हार्डवर्क के साथ करते हैं। दोस्तों ज़िंदगी में अगर आपने अपने मालिक का या अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने कस्टमर्स का या किसी का भी अगर आपने भरोसा खोया, तो एक बात ध्यान में रखना कि एक बार भरोसा, दोस्तों भरोसा वो धन है जो एक बार चला जाए तो वापस कभी लौट के नहीं आता। सामने वाला व्यक्ति कभी ज़िंदगी में तुम पर दूसरी बार भरोसा कभी नहीं करेगा दोस्तों, तो ऐसा पल कभी लाइफ में आने मत देना। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर अब से हमेशा सच बोलने की ही कोशिश करना, और ये ठानना कि अब मुझे झूठ नहीं बोलना है, और ऐसा कोई भी मौका नहीं आने देना लाइफ में कि आपको झूठ बोलना पड़े। और दोस्तों जो लोग झूठ बोलते हैं वो लोग
डरते हैं सच बोलने से। मैं कहता हूँ सच का सामना करो और आगे बढ़ो, जीत सच में है। जय हिंद, जय भारत। और इसी तरह देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।